अस्सलाम वालेकुम। इफ्तखार अहमद पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन जिना एवेन्यू के ऊपर, मेन गेट से बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। जो आप कमर्शियल बिल्डिंग देख रहे हैं, ये प्राइवेट बिल्डर्स की बिल्डिंग बनाई गई हैं, जिसमें लोगों ने मर्जिंग करवाई थी आउट ऑफ बाउंड्री फाइलों की, और इसके अलावा जिनके विलास, जिनकी फाइलें कैंसिल हुई, उन लोगों की एडजस्टमेंट यहाँ पर उनकी करवाई गई, और उसके बाद उनको ग्राउंड फ्लोर शोरूम्स और ऊपर ऑफिस दिए गए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है आपको दिखाना, ग्राउंड फ्लोर के शोरूम के हवाले से अपडेट करना कि इस वक्त लोग जो ग्राउंड फ्लोर पर कितने यहाँ पे बैठ के अपना बिजनेस कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर के शोरूम का रेंटल इनकम जो है वो कमा रहे हैं, और एक अच्छी खासी अमाउंट में। लोग कहते हैं कि बहरिया टाउन जो है वो बंद हो गया, बहरिया टाउन में तो अब कुछ नहीं बचा, बहरिया टाउन में लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब गई, और अब तो बैरिया के हेड ऑफिस भी बंद हो गए, सारी चीज़ें। इस तरह लोग सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करते हैं, इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं। उन लोगों को दिखाना, आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, रिसेंटली बैंक अल्फला ये अभी ओपन किया गया तकरीबन एक महीना पहले, जब से ये ज़्यादा मार्केट में अफवाह फैलना शुरू हो गई कि जी बहरिया टाउन में अब ताले लग जाएंगे, बहरिया टाउन को ख़त्म कर दिया जाएगा, बहरिया टाउन को DHA को दे दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करना कि बहरिया टाउन के अंदर अब भी लोग आके बैठ के अपना बिजनेस करना चाहते हैं और डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ये एक बैंक अल्फला आपको देखने को मिल रहा है जो कि अल्फला बिल्डिंग के अंदर है, ग्राउंड फ्लोर पर। ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऑलरेडी हमारे कस्टमर ने ये शोरूम ख़रीदा है और 5 साल का अल्फला बैंक के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद मज़ीद अगर आपको बताता चलूँ तो और भी काफ़ी सारे बैंक, जितने भी बैंक के बहरिया टाउन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, बैंक अल्फला, मिजान बैंक, इसके अलावा हबीब मेट्रो बैंक, अभी बैंक, MCB बैंक और अलाइड बैंक, ये सारी ब्रांचेस जो है मेन ब्रांचेस हैं वो बहरिया टाउन के अंदर हैं। क्यों हैं? क्योंकि बहरिया टाउन को लोग सिक्योर समझते हैं, बहरिया टाउन को बैंक सिक्योर समझते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां बहरिया टाउन के अंदर आके अपना बिजनेस कर रही हैं। और इसके अलावा सुजुकी का शोरूम प्लॉट नंबर 4 पर आपको सुजुकी का शोरूम देखने को मिलता है। अगर कोई ऐसे मामला होते तो ना इधर बैंक जो है वो ओपन किए जाते, ना इधर सुजुकी का शोरूम होता, और ना ही इधर लोग बैठ के अपना कारोबार कर चुके होते। आप फिज़िकली विज़िट करते हैं बहरिया टाउन को तो आपको मोस्टली ग्राउंड फ्लोर पर लोग बिजनेस करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत ही इंतहाई मुनासिब कीमत में आपको ग्राउंड फ्लोर के शोरूम मिलते हैं, जिसके साथ डबल बेसमेंट की ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल हैं। डबल बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर का शोरूम और मेज़ानाइन, मतलब समझ लें कि 4 फ्लोर बनते हैं। आप यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ग्राउंड फ्लोर शोरूम परचेज़ करके आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप उसको रेंट के ऊपर देते हैं तो रेंटल इनकम जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं इंतहाई मुनासिब कीमत। मेन जिना एवेन्यू के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त 400 फुट रोडा रोड जो है वो चौड़ा बनाया गया है, जिसमें आप अपना ग्राउंड फ्लोर शोरूम, या फिर आपका बजट कम है तो आप ग्राउंड फ्लोर की शॉप जो है वो मिडवे ए के अंदर, मिडवे बी के अंदर आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप रेंटल इनकम जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, या फिर बहरिया टाउन कराची में कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।